अगर ये वीडियो इसलिए ओपन की है कि इसे देखने के बाद दुनिया बदल जाएगी तो यह वीडियो अभी छोड़ दो, क्योंकि दुनिया वीडियो देखने से नहीं, कुछ करने से बदलती है, लाइफ में रिस्क लेने से बदलती है। बात तो यह है कि तुम सब इतने आलसी हो चुके हो कि रिस्क लेने से भी डरते हो। जब दो वक्त की रोटी खुद कमानी पड़ेगी तब समझ आएगा कि माँ बाप कैसे परिवार को चलाते थे, लेकिन तुम्हें समाज का डर खाया जा रहा है और बचा हुआ तुम खुद को अपने आप को बर्बाद करने में लगा दे रहे हो। जब एग्जाम आएगा तब पढ़ाई करेंगे, इतने सारे तमाम बहाने जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। पता है इन्हीं वजह से तुम्हें कोई ना कोई पीछे कर रहा है, कोई तुमसे आगे निकलता चला जा रहा है। गुनहगार वो नहीं होता जो हारता है, गुनहगार तो वो है जिसने प्रयास तक नहीं किया है। तुम इतने कायर बनते जा रहे हो कि इस व्हाट्सएप और यूट्यूब की दुनिया में तुम अपने आप का भविष्य खतरे में डालते जा रहे हो। तुम अपने रिश्तेदार व समाज को भूल गए हो शायद, जिन्होंने तुम्हें बेइज्जत किया था और कहा था कि तुम क्या करते हो, तुमने पढ़ाई कैसी की है, कब लगेगी नौकरी। अरे क्या जवाब दोगे उन्हें, क्या नहीं दोगे जवाब, क्या सहते रहोगे, क्या सुनते रहोगे, क्या तुम्हें पता नहीं है? कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या तो अनुभव हासिल होगा। अगर चाहते हो कि सब तुम्हारी कद्र करें तो तुम्हें उठना होगा, तुम्हें रणक्षेत्र में अथक प्रयास करना होगा। तुम्हारी वजह से सैकड़ों काम घर में रुके हुए हैं, क्या तुम्हें नहीं पता है? क्या तुम होश में नहीं हो? तुम्हें जागते हुए भी सोना आ रहा है, वहां से निकलो और निकलना पड़ेगा, वरना खुद ब खुद के परिवार को डुबो दोगे एक दिन। यूट्यूब मोटिवेशन से भरा पड़ा है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, होता है तो कुछ करने से होता है, रिस्क लेने से होता है, और वो आपको लेना पड़ेगा। पर पढ़ना पड़ेगा और याद दिलाना पड़ेगा समाज को, उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें भीड़ में बेइज्जत किया था, जिन्होंने तुम्हें समाज में बेइज्जत किया था। क्या उन्हें आज जवाब नहीं दोगे? पर तुम्हें पढ़ना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।